हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने रोहतक में अपने पहले कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राव पायलट व रोहतक लोकसभा प्रभारी अशोक दीक्षित ने प्रदेश स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोहतक लोकसभा अध्यक्ष किशन लाल पांचाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष एवं रोहतक लोकसभा प्रभारी का फूल मालाओं से स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रमेश राव पायलट ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी के नेतृत्व में पूरे लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और 2019 में सरकार बनाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आम व गरीब आदमी की पार्टी है, सभी वर्गों के हित के लिए काम करेगी। देखिए रणनीति हमारी, आज जैसा आप लोगों को मालूम है कि सैनी साहब ने मुझे रोहतक लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, रोहतक लोकसभा का अध्यक्ष बनाया है। यहाँ मेरी जिम्मेवारी ये है कि एक लोकसभा की सीट और 9 विधानसभा की सीट, 10 सीट जीतने के लिए हमारी यहाँ से रूपरेखा चलेगी और सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ हम तकरीबन हर संडे या हफ्ते में 2 बार लेंगे और पूरी रूपरेखा तैयार कर करके हम अपने मैदान में उतरेंगे और 10 की 10 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट की मेरी जिम्मेदारी है। ये 10 की 10 सीट जिता करके हमने एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए हमने योग बनाया जी। क्या माने कि 2019 के चुनाव के लिए बिगुल आप बजा चुके हैं? बजा चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है और वो दखल दे रही है, और इसके विपक्ष में किसको आप मजबूत मानते हैं, किसके साथ ज़्यादा? देखिए सही मायने में तो हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं। आप हर रोज रैलियाँ देखते हैं, हर लोग इन लोगों के प्रचार कर रहे हैं, इन लोगों का आज कोई भी प्रचार नहीं है। जैसे चौटाला साहब के घर में भी आप लोगों ने देखा कि कल ही एक अजय चौटाला को और दुष्यंत चौटाला को अलग कर दिया गया, फिर उनका घर अलग हो गया। इधर से माननीय कि अपना जैसे अपने हुडा साहब पूर्व मुख्यमंत्री, आज उनकी विजय जाने की तैयारी आप लोगों के सामने है। कोई बीजेपी में भागने के लिए तैयार है, कोई कहीं भागने के लिए तैयार है। इन लोगों का राजकुमार सैनी जी के पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की के सामने सब लोग ये बिल्कुल एक तरह से विफल हो चुके हैं। और आज जैसे आप लोगों को मालूम है कि प्रकृति का नियम है बदलाव, वो बदलाव का समय आज आप लोगों के सामने है और हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से मैं तो बोलता हूँ कि 90 की 90 विधानसभा, 10 की 10 लोकसभा सीट जीत करके एक ये नया रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर कायम किया जाएगा। और हम जितने भी सैनी साहब के सिपाही इस मुहिम में लगे हुए हैं, बिल्कुल तय दिल से लगे हुए हैं और 24 घंटे हम इस पार्टी के लिए काम करने की रूपरेखा बनाने और 16 घंटे 18 घंटे हम डेली पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हमारे प्रदेश में जिस तरह से 52 वर्षों में 45 वर्ष तक एक जाति विशेष का शासन रहा, इतना बड़ा भारी भेदभाव, उसी के खिलाफ सांसद राजकुमार सैनी जी ने एक समानता की मुहिम जो छेड़ी और उनके मुद्दे सभी समानता के आधार पर आधारित हैं, उसी पे हम जो है आगामी सारी जो हमारी रणनीति रहेगी, हमारी जो लड़ाई रहेगी समानता पर आधारित रहेगी। हम इस प्रदेश में इस सारे भेदभाव को ख़त्म करके, जाति विशेष की दादागिरी गुंडागर्दी खत्म करके एक प्रदेश में समानता स्थापित करेंगे और आने वाला जो चुनाव है उसमें हम सभी 90 विधानसभा और 10 लोकसभा चुनावों पर लड़ेंगे और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और राजकुमार सैनी हमारे 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। अब पहला यहाँ कार्यालय बनाया है, इसके अलावा कितने कार्यालय अभी हरियाणा के अंदर बनाए जाएंगे और कब तक उनकी जो ये प्रक्रिया चालू है? बहुत सारी जगह पर, बहुत जगह पर हमारे जिला कार्यालय खुल चुके हैं, बहुत सारे हमारे हल्का लेवल पर भी कार्यालय खुल चुके हैं, बहुत सारे हमारे लोकसभा लेवल पर कार्यालय खुल चुके हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया काफ़ी दिन से चल रही है और आगे भी हमारे इस तरह से हम इसको गाँव तक लेके जाएंगे कार्यालय जी। जिस तरह से राजकुमार सैनी जो है बीजेपी में रह करके चुनाव अलग पार्टी उन्होंने बनाई है, तो वो अगर अलग होना चाहते हैं तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे? सांसद राजकुमार सैनी लोकसभा चुन के आए थे, उसके 6 महीने बाद ही उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया था और वो लगातार लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उन्होंने 2 सितंबर को जन्माष्टमी के अवसर पर पानीपत की ऐतिहासिक धरती से इस लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का ऐलान किया और हमारी पार्टी के सुप्रीमो
जहाँ तक सांसद की बात है, उनका कहना है कि जब मुझे लोक क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए लोकसभा का सांसद बनाया है तो मैं उससे पहले उनको उसकी जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता।